सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में कैसे अपने एंड्रॉइड पर ही किसी भी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई सी भी ऐप की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक ऐप है जो आपके एंड्रॉइड के अंदर ही रहता है, जिसका नाम है गूगल फोटोज। अगर वो नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हाँ ध्यान रखिएगा अपडेट वर्जन ही डाउनलोड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपना फोटोज ओपन कर लिए गूगल फोटोज। तो देखिए मेरा ओपन हो चुका है गूगल फोटोज। आप कोई सा भी वीडियो, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला कर लेता हूँ। फिर एक बार देखिए यहाँ पे तीन लाइन बनी होगी नीचे, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेबलाइज का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको स्टेबलाइज पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये वीडियो स्टेबलाइज हो चुका है, तो चलिए मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कितना स्मूथ स्लाइडिंग हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने इसे कैमरा से शूट किया है, ऐसा लग रहा है DSLR से शूट किया है, जबकि मैंने इसे कैमरे से ही शूट किया है। तो इसे हम सेव कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये सेव हो चुका है। देखिए दोस्तों ये सेव हो चुका है, तो मैं इसको आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी स्मूथ स्लाइडिंग आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसे कैमरे से शूट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही DSLR से शूट किया गया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। रोशन दिल का रेशा रेशा ना हो जाए तो कहना।